वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं टोफ क्लब, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ट्राई करें। और ये हम लोग ने एक तख्त ले लिया है और उसमें हम जो है अब बैठ रहे हैं और हम लोग अब ऑर्डर करेंगे। हाँ जैन, तो आज हम लोग कहाँ आए हैं? आज हम स्टोव क्लब आए और आए भी फैमिली के साथ आए हैं। और जो है ये स्टोव क्लब है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ, तख्त का सिस्टम रखा हुआ है इन लोगों ने, ओपन एयर है। अब जो है ये इनका है मेन्यू कार्ड, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम क्या ऑर्डर करेंगे। आपको अभी हम बताते हैं। इनकी देश में पनीर हांडी जो है, ये इनकी स्पेशलिटी है। अच्छा, कौन सी वाली हांडी? ये ऊपर वाली ना? हाँ, ये फेसबुक पे बहुत फेमस है ना। अब चले, इंतजार किस बात का, वेटर को बुलाते हैं और हम अपना ऑर्डर देते हैं। और ये हमारा मजेदार ऑर्डर आ चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये इनकी कढ़ाई है, अभी जो इनकी स्पेशलिटी है वो नहीं आया है। इनकी पनीर हांडी है ना, मेरे ख्याल से रेशमी पनीर हांडी इनकी स्पेशलिटी है, वो अभी तक नहीं आई है। तो वो आएगी तो हम शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि भाई वो असल दिखने में कैसी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और खाने में कैसी है वो तो आपको तब पता लगेगा जब आप आके खुद खाएंगे, लेकिन हम आपको रिव्यू ज़रूर दे सकते हैं और वो ज़रूर देंगे आपको इंशाल्लाह। तो जी, अब हम इसकी इनॉग्रेशन करने लगे। जबरदस्त यार, ये तो ऐसा लग रहा है चूल्हे पे रखी है। जबरदस्त रोटी भी आ गई। और ये पनीर मेरे ख्याल से ऊपर है इसका, और पनीर जो है इसका मेल्ट हो रहा है ग्रेजुअली। जबरदस्त, बहुत यमी लग रही है देखने में। तो मैं कुछ तीन डिश मंगाई है, तीन है, बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। और ये हमने जो है वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे से म्यूज़िक जो है ऑन हो गया था बाहर का। ये हम चरगा ट्राई कर रहे हैं और चरगा बहुत टेस्टी था, टर्किश कबाब रखा हुआ है। ये जैन ने चरगा ट्राई किया है चटनी से। ये पेशावरी शिनवारी कढ़ाई आ चुकी है और इसको भी हमने ट्राई किया, ये भी बहुत टेस्टी थी। लेकिन जो हांडी का टेस्ट था ना, वो बियॉन्ड था, वो इन सब से बिल्कुल हटके था। और ये हमने हांडी खा चुके हैं, हम लोग बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दी हमने हांडी खा कर। और ये पेशावरी कढ़ाई जो है, शिनवारी कढ़ाई, मैं इसको पता नहीं क्यों पेशावरी बोलती हूँ, बच गई है। और ये है इसका बिल, हमने मंगवाया था हाफ रेशमी पनीर हांडी, हाफ शिनवारी कढ़ाई, लाहौरी चरगा और चिकन टर्किश कबाब, प्लेन नान, चपाती, रेगुलर कीम। और हमारा बिल बना है 4,310, जो कि मुनासिब है, राइट? तो गाइज, ये हम आ चुके हैं इनके किचन में और ये इनकी जो है हांडी रेडी हो रही है। अब बताएंगे इसमें क्या ऐसे इंग्रेडिएंट जो इतना मज़ेदार बन जाता है ये। थोड़ा जोर से बोलेंगे, फिर भी क्या होता है इसके अंदर जो इतनी मजे की। और मैंने हर जगह की खाई है पर ये इस तरह की मैंने कभी भी नहीं खाई भाई। नहीं बता रहे ये सीक्रेट मसाले हैं हमारे। अच्छा, नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने सुना था ये दो भाई का है जो इंजीनियर थे, आई थिंक सो, कोविड में जिन्हें स्टार्ट किया था। थोड़ा बताएंगे पूरी स्टोरी क्या है? फोटोग्राफर थे एक्चुअल दोनों, फहद बशीर, शाहिद बशीर, तीन भाई। अच्छा, उन्होंने फोटोग्राफी छोड़ी लॉकडाउन में, तकरीबन कारोबार जो था आपके सामने क्या था पाकिस्तान का, ऑल ओवर द वर्ल्ड का, उन्होंने ये घर पे बनाई थी दोस्तों के लिए। अच्छा, रिकमेंड की इसको ऑनलाइन ट्राई करते हैं, ऑनलाइन ट्राई किया तो माशाल्लाह रिस्पॉन्स आया, और ऐसा रिस्पॉन्स अल्लाह ने नवाजा हमें। ये तीन चीजें खोली आपने है ना, दो रेड स्टोर में आप लोगों, माशाल्लाह बराबर में ये हमने ली। ओ जबरदस्त, क्या आप लोग ही ओन करते हैं इसको? वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस से लग रहा है आप मैनेजर हैं, मतलब पर्सनालिटी भी आपकी माशाल्लाह। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे जरूर आए और यहाँ पे ट्राई करें इनकी, इनकी स्पेशल हांडी है। मैंने तो फेसबुक पे बहुत देखा है इनकी हांडी के बारे में, तो आज हम एट लास्ट आ ही गए इनकी हांडी
ट्राई करने के लिए। आप नाम बताएंगे अपना, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये दानिश अंसारी यहाँ के मैनेजर हैं, जिन्होंने जो है हमें, जब हमने बोला कि हम YouTube चैनल की तरफ से आए हैं, तो उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप अंदर आ जाइए किचन में, और बहुत अच्छे से सारा इंट्रोडक्शन हमें दिया। थैंक यू सो मच। और बहुत ही मज़ेदार खाना था, बहुत ज़बरदस्त। ये पेट भर गया लेकिन दिल नहीं भरा। हाँ, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाई है, पर इस तरह का टेस्ट नहीं देखा कहीं भी। फुल क्रीमी क्रीमी इनकी हांडी है, मतलब सारे इंग्रेडिएंट इन्होंने अच्छे डाले। मैं, आपने देखा क्रीम भी इन्होंने जो है अच्छी सी यूज की है इसके अंदर, क्वालिटी बिल्कुल। ये इसका सबसे डिलीशियस पार्ट है जो कि अभी हो रहा है। यम्मी, ये देख रहे हैं आप कैसे बबल्स आ रहे हैं इसके अंदर। और जब गरम गरम सर्व होती है ना, तो बहुत ही लजीज। इसका, इस पूरी शॉप का एड्रेस, हर चीज़ हम आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, आप ज़रूर यहाँ विज़िट करें। और ये रैप हो चुकी है बिल्कुल ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। तो भाई हम फिर कब आएंगे यहाँ पर? मैं तो जल्दी आऊँगा भाई जी। हमने बहुत सुना था स्टोव क्लब के बारे में, तो आज तकरीबन 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं, जब से कोविड आया। लेकिन ट्राई कर चुके। हाँ, चाहिए आए थे दोस्तों के साथ, जैन आए थे, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो आज मेरे पापा की बर्थडे थी, तो हमने सोचा कि ये हमारे घर से नियरेस्ट है, और मेरा हांडी खाने का मूड था, तो हमने यहाँ पर आए। तो हांडी, मतलब इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट की हमने हांडी ट्राई की है, लेकिन यहाँ की हांडी जो टेस्ट है वो कहीं हमें नहीं दिखा। तो आप हमें बताएंगे ऐसा क्या है हांडी के अंदर, इतनी हाइप क्रिएट हुई फेसबुक पे इसकी? अल्लाह की तरफ से मतलब टेस्ट है, मतलब हांडी में अल्लाह ने दिया हुआ है एक हाथ में टेस्ट, वही लेके चल रहे हैं। और सेम टेस्ट है, 2.5 साल हो गए माशाल्लाह यहाँ पर। अच्छा, माशाल्लाह। तो कंसिस्टेंसी के साथ हमने एक टेस्ट रखा हुआ है, तो लोग अच्छी चीज खिला रहे हैं मतलब। अच्छा, कस्टमर्स कैसे आते हैं डेली? इतने यहाँ रश होता है रोज? जी बिल्कुल, वीकडेज में भी इतने होता है, और वीकेंड में तो बहुत होता होगा। आपको जगह नहीं मिलेगी, हमारे मैनेजर साहब के पास बहुत वेटिंग्स होती है यहाँ पर। अच्छा, मैं तो अपने जानने वालों को मना करता हूँ कि वीकेंड्स पे मत आया करें, वीकेंड्स पे आया। असल में हमने भी यही देखा, मैं अपनी बेगम को भी यही बोला था, मैंने बोला कि यार वीकडेज में इतना रश है तो वीकेंड पे क्या होगा, मैं भी यही बोला था। तो आप लोगों ने क्या क्या ट्राई किया? हमने तो बहुत कुछ खाया, हमने आपकी वाइट हांडी खाई, शिनवारी कढ़ाई खाई, हमने टर्किश कबाब थे, और क्या था, और चरगा, लाहौरी चरगा था। लेकिन जो हांडी शाही रेशमी हांडी जो है, शाही हांडी वो अगर आपने खा ली, तो फिर आप रेशम पनीर को ही बहुत जबरदस्त। अच्छा, पैसे भी बहुत मुनासिब रखे हुए आपने, मतलब इतने ज्यादा पैसे नहीं है। हाँ, मतलब टेस्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा कम पैसे है ना, पैसे बिल्कुल कम। और शाही हांडी के सिस्टम बता रहा हूँ आपको, अगर आपने वो खाई तो वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। वो जबरदस्त। तो भाई गाइस, आपने आना है यहाँ पे, और शाही पनीर हांडी भी जरूर खानी है इनकी। अच्छा, अपना नाम बताएंगे? नाम फहद। ये मिस्टर फहद थे जो कि यहाँ के ओनर हैं। इनकी स्टोरी जो है मैनेजर साहब बता चुके हैं, क्या पूरी स्टोरी है इनकी। मैंने यूट्यूब पे आपका इंटरव्यू देखा था, उसमें ही मुझे पता लगी आप बना रहे थे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 साल तक मैंने खुद बनाया। हाँ, आप दोनों खड़े होकर खुद बना रहे थे हांडी। तो यहाँ पे आप माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको तरक्की दे दी, अल्लाह ताला और कामयाब करे, इससे बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करें आप इंशाल्लाह। भाई आप लोगों ने आना है और जरूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच। तो गाइज, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ डू लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।